दोस्तों दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और ये वो लोग होते हैं जो कामयाब और सफल लोगों की कहानियों को सुनते हैं और उनकी कहानियों को शेयर करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और दूसरे वो लोग होते हैं जो खुद इस तरीके से अपनी कहानी लिखती हैं, जिन कहानियों को ऐसे लोग शेयर करते हैं। यानी पहले वो लोग जो किसी सफल इंसान की कहानी को सुनते हैं और उसको शेयर करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो खुद सफल होकर एक अच्छी कहानी लिखते हैं, जिनकी कहानी को इस तरीके के बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। अब सवाल यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने आप को चेक कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि एक बहुत सफल इंसान आप बन जाएं और दुनिया आपकी कहानी को शेयर करे, लोगों को बताए, प्रेरणा ले? या आप भी कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं कि आपकी कोई कहानी नहीं होगी और आप दुनिया के सभी कामयाब लोगों की कहानियों को पढ़ते रहेंगे और उसको आगे शेयर करते रहेंगे? एक स्टोरी के माध्यम से मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि एक बार इसको स्टोरी के रूप में लेना, एक मजाक के रूप में लेना, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा है। एक बार एक मच्छर उड़ता हुआ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक बैल जाता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा सा रास्ता मच्छर का लंबा था और वो थक भी गया था, तो उसने सोचा ये बैल भी इसी दिशा के अंदर जा रहा है, तो मैं क्यों मेहनत करूं, क्यों ना इस बैल की पीठ पे बैठ जाता हूं और जहां तक मुझे जाना उसी दिशा में ये जा रहा है, तो जहां मेरा रास्ता, अगर मेरा पहले रास्ता आ गया मेरी मंजिल आ गई तो मैं उड़ जाऊंगा, उतर जाऊंगा, नहीं तो जहां तक ये जा रहा है उससे आगे का सफर मैं तय कर लूंगा। उसकी पीठ पे बैठता है बैल, धीरे धीरे अपने रास्ते में चलता रहता है। लगभग 15-20 मिनट जब बैल को चलते हुए हो जाते हैं तो उसकी मंजिल आ जाती है, तो वो उड़ के अपने मंजिल की तरफ जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उड़ के जाता है, अचानक उसको ध्यान आता है, यार बैल ने तो मेरी हेल्प की है, मदद की, उसको थैंक यू बोलना तो बनता है। वो मच्छर वापस आता है, उस बैल को बोलता है, बैल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बैल कहता है, भाई किस बात का धन्यवाद, किस बात का थैंक यू, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है। वो कहता, नहीं अभी आप पीछे से जब आ रहे थे 15-20 मिनट पहले, मैं भी वहीं से आ रहा था तो मुझे थकान महसूस हुई, तो आप भी आ रहे थे तो मैंने क्यों ना आपकी पीठ पे सफर कर लिया जाए और मेरा रास्ता तय हो जाए, और वही हुआ, मैं आपकी पीठ पे बैठा और आपने मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो बैल बहुत तेजी से हंसा, और ये आपके लिए मैसेज है। उसके बाद जो बैल ने जो बात बोली आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। बैल ने बोला कि मच्छर भाई तू अपना थैंक यू अपने पास ही रख। उसने कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बैल ने बोला कि जिसके ना मुझे आने का पता लगा, ना बैठने का पता लगा, ना जाने का पता लगा, उसका थैंक यू लेके मैं करूंगा क्या? दोस्तों इस मैसेज से आप सब लोगों को एक बात समझनी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप वीकेंड कर रहे हैं, आप नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने आप को आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका आने का तो नहीं पता चला किसी को भी, लेकिन आपके जाने का पूरी दुनिया को पता चलेगा। अपने आप को चेक आपको करना पड़ेगा। और मेरा मानना है, हमें इंसान रूपी जीवन मिला है, आपको इंसान रूपी जीवन मिला है, और आपके अंदर भी वो तमाम शक्तियां ईश्वर ने देके भेजी है कि आप भी अगर ठान लें तो कुछ ऐसा काम जरूर कर सकते हैं कि आपका आने का तो पता नहीं चला, लेकिन आपका जाने का 100% पूरी दुनिया को पता लग सकता है, और ये आपके हाथ में है, आपके अलावा आपके लिए ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो लोगों की कहानियां, सफलता की कहानियां पढ़ के आगे शेयर करना बंद कीजिए, अपनी खुद की एक कहानी बनाइए कि दुनिया आपकी कहानी को शेयर करे।